बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ भाई मैं आपसे सऊदी अरब से एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब की, जैसा कि हम भाइयों को पता है कि सऊदी अरब में 24 घंटे का कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन वो हजरात बाहर जा सकते हैं जिनके पास परमिट है कर्फ्यू में निकलने का। जी मेरे भाई, मेरे पास भी परमिट है, परमिशन है, तसरी है बाहर काम करने के लिए, तो हम जाते हैं काम के लिए। तो इसके अलावा आप सुपरमार्केट वगैरह, मेडिकल स्टोर और बैंक वगैरह, पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन वगैरह जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भाई मदीना शरीफ और मक्का शरीफ के कुछ इलाके मखसूस किए हुए हैं, जहाँ पर आप सुपरमार्केट के लिए भी नहीं निकल सकते। तो वो तो इलाके भाई मखसूस हैं, वहाँ तो आप नहीं निकल सकते, लेकिन उनके अलावा जो इलाके हैं और पूरी सऊदीया में आप सुपरमार्केट वगैरह, मेडिकल स्टोर वगैरह जा सकते हैं। तो आज वज़ारत सेहत ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है जी, कि 15 साल से कम उम्र जो भाई भी, जो भी लड़का लड़की 15 साल से कम है उसकी उम्र, वो ना तो सुपरमार्केट जा सकता है, ना मेडिकल स्टोर जा सकता है, हत्ता के वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। सऊदी अरब का नया कानून जारी कर दिया गया ये वजारत सेहत की तरफ से, कि 15 साल से जिसकी कम उम्र एज है ना, वो सुपरमार्केट में खाने पीने की चीज़ें भी नहीं लेने के लिए जा सकता। जी मेरे भाई, तो एहतियात कीजिए। अगर आपका कोई, जैसा कि पाकिस्तानी वगैरह, इंडियन वगैरह फैमिलीज़ हैं, इनके छोटे बच्चे भी साथ होते हैं, तो ऐसे बच्चों को किसी भी सुपरमार्केट वगैरह में या बाहर किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह में मत भेजिएगा, क्योंकि 10,000 रियाल जुर्माना है कर्फ्यू के दौरान अगर शाही हुक्मनामे की नाफरमानी की जाए। तो इसके मुतल्लिक हम सबको पता है, तो एहतियात कीजिए। अगर आपके पास परमिट है तो फिर भी आपकी उम्र 15 साल से ऊपर होनी चाहिए। 15 साल से नीचे वाले किसी भी लड़के या लड़की को कोई भी किसी किस्म का परमिट पेपर पकड़वा कर बाहर मत भेजिएगा, वरना आपको इसके मुतल्लिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।